हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हिमाचली वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी अजीबोगरीब कारणों से दुनिया भर में फेमस हैं। दुनिया के पांच सबसे अजीबोगरीब गांव। नंबर पांच पर है गेथरून विलेज, नीदरलैंड्स। इस गांव की ये खासियत है कि यहाँ एक भी सड़क नहीं है। लोग आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं। ये गांव अपनी खूबसूरती और साफ वातावरण के लिए दुनिया भर में फेमस है। इस गांव की स्थापना 1230 में हुई थी। पूरे गांव में 176 पुल बने हैं। इस गांव में आपको सिर्फ चिड़ियों की ही आवाज़ सुनाई देगी। इस गांव में लोग अपनी कारों को गांव से बाहर ही पार्क करते हैं और गांव में आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं। नंबर चार, मिरेकल विलेज, फ्लोरिडा। मिरेकल नाम के इस गांव में 200 लोग रहते हैं। ये सभी लोग अपराधी हैं। फ्लोरिडा से दूर इस गांव को 1960 में बसाया गया था और यहां उन अपराधियों को सज़ा के तौर पे रखा जाता है जिन्होंने कभी ना कभी कोई क्राइम किया हो। फ्लोरिडा में सेक्स क्राइम के लिए सख्त नियम है। क्राइम करने वाले अपराधियों को रिहायशी इलाकों से दूर रखा जाता है। वहाँ की सरकार इन अपराधियों को इस गांव में रखकर सुधारने का मौका देती है। यहाँ रहने वाले अपराधियों को सारा काम खुद करना पड़ता है। नंबर तीन, विगनेला विलेज, इटली। ये गांव इटली में स्थित है। ये गांव माउंटेन्स के बीच बसा है जिसकी वजह से सूरज दिखाई नहीं देता और ना ही धूप आती है। इस समस्या का हल करने के लिए इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने बहुत बड़ा आईना लगाया है जिससे रिफ्लेक्ट होकर धूप की रोशनी गांव में आती है। इस आईने को एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए सूरज की ओर घुमा दिया जाता है। नंबर दो, सुपर विलेज, चाइना। ये एक ऐसा गांव है जहां की लाइफस्टाइल देखकर मेट्रो शहर के लोगों की आँखें भी फटी रह जाएंगी। ये गाँव चाइना में है और इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चाइना के जियांगसू प्रोविंस में वैक्सी गांव को दुनिया का सबसे अमीर गांव कहा जाता है। ये गांव सुपर विलेज के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। चाइना की राजधानी शंघाई से 135 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में दर्जनों मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी भी होती है। ऐसा नहीं है कि ये गाँव हमेशा से अमीर था। एक वक्त था जब यहाँ के लोग बहुत ही गरीब हुआ करते थे। इस गांव को करोड़ों कंपनियों का घर माना जाता है जिनमें स्टील और शिपिंग जैसी कंपनीज मशहूर हैं। बताया जाता है इस गांव में ज़्यादातर घर एक जैसे हैं और ये घर किसी होटल से कम नहीं लगते हैं। दिलचस्प बात है, साल 2011 में इस गाँव के लोगों ने इसके 50 साल को 328 मीटर लंबे गगनचुंबी इमारत को बनाकर मनाया। और आखिर में नंबर एक पर है कूबर पैडी गांव, ऑस्ट्रेलिया। इस गांव को ऊपर से देखने पर आपको सिर्फ मिट्टी के टीले ही नज़र आएंगे, वहीं ज़मीन के नीचे आलिशान महल जैसे घर नज़र आएंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 1915 में। उस समय यहां पे दूधिया रंग के पत्थर की खोज हुई थी जो काफ़ी कीमती होते थे। धीरे धीरे यहाँ पर माइनिंग का काम होने लगा। जब माइनिंग का काम ख़त्म हुआ तो लोगों ने इन खाली पड़ी माइंस पर अपने घर बसाने शुरू कर दिए। इन शानदार घरों में ना तो गर्मी में एसी की ज़रूरत है और ना सर्दी में रूम हीटर की। आज यहाँ तकरीबन 1500 घर हैं। यहाँ कई हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। इसी तरह और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।